नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच में कुछ अभी ऐसा हो गया है जिससे भारत और चीन के रिश्ते और ज़्यादा ख़राब होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और दरअसल ये जो चीन से रिश्ते ख़राब होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसमें ताइवान को बीच में सम्मिलित कर लिया गया है। दोस्तों, आइए समझते हैं कि पूरी खबर है क्या और ऐसा क्या हो गया जिससे रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, ये समझते हैं दोस्तों। दरअसल दोस्तों, अभी भारत में चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके रिजल्ट आए हैं। तो रिजल्ट आने के बाद अब फिलहाल ये तय हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अभी चुन कर आए हैं, अब ये पुनः तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो अब ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे भारत के फिर से। तो इसलिए अब दुनिया भर से जो भी वर्ल्ड लीडर हैं, सभी देशों से प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दे रहे हैं, सारे देशों से, चाहे वो फ्रांस हो, ब्राज़ील हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मतलब जितने भी आप देश समझ सकते हैं, करीब 70-80 देशों ने बधाई भेज दी है। तो मोस्टली ये बधाई जो भेजी है ये ट्विटर के माध्यम से भेजी है। ऐसा ही दोस्तों, एक ताइवान है, ताइवान देश, जिसके राष्ट्रपति हैं लाई चिंग ते, जो अभी रिसेंटली वो भी राष्ट्रपति बने हैं वहाँ के। तो वो जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्विटर के माध्यम से कंग्रेचुलेशन बोला है, बधाई दी है चुनाव जीतने के लिए। और तो जब उन्होंने ये बधाई दी, तो बनी बात है, जब कोई हमें बधाई देता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद उसका करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर के माध्यम से लाई चिंग ते को बधाई दे दी। और उसमें ट्विटर में जब लाई चिंग ते ने मैसेज किया था, तो उसमें लिखा था कंग्रेचुलेशन, और साथ में ये भी लिखा था कि वो इंडिया और ताइवान के बीच में पार्टनरशिप को और बढ़ाएंगे, ऐसा करके लिखा था। तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी उसमें थैंक यू लिख दिया, ये बात हुई। अब ये चीज़ चीन को इतनी ज़्यादा बुरी लग गई कि उसने इसका प्रोटेस्ट कर दिया। अच्छा, अब चीन भी देख रहा है कि भारत की अब जो सरकार बनने जा रही है, ये पहले के जितनी मजबूत नहीं बनेगी, क्योंकि इस बार नरेंद्र मोदी जी के पास सीट कम है। तो उसने जब प्रोटेस्ट किया, उसने ये कहा कि आपने वन चाइना पॉलिसी को साइन कर रखा है, तो आपको वो कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। आप किसी भी तरीके से चाइना के ऊपर दूसरे देश को नहीं ला सकते। वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि भारत एक ही चाइना को मानता है, वो ताइवान को नहीं मानता। जो मेन लैंड चाइना है वही पूरा चाइना है, चाहे वो ताइवान हो चाहे मेन लैंड चाइना हो। तो चीन ने ये याद दिलाया भारत को, जो भारत ने साइन कर रखा है तो भारत को भी ये मानना चाहिए। लेकिन भारत की अब पॉलिसी धीरे धीरे ये चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो अभी लिखित में चेंज नहीं हुई है। वो अब चाइना का जो एटीट्यूड है, जो उसका क्रियाकलाप है, उसको देखते हुए भारत धीरे धीरे चेंज कर रहा है। और भारत को भी ताइवान की ज़रूरत है, क्योंकि ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छी है, उसके पास उसकी टेक्नोलॉजी है। तो भारत चाहता है ताइवान के साथ भारत के रिलेशन अच्छे रहें, और उसकी जो सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री है वो भारत में आए, जिससे भारत में कुछ ग्रोथ और बढ़े, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जॉब्स क्रिएट हों, ये चीज़ है। और साथ ही साथ हम ताइवान के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखें, जिससे चाइना के ऊपर हमेशा एक दबाव बना रहे। ये बिल्कुल वैसा ही है दबाव, जैसे चाइना पाकिस्तान के साथ अपने अच्छे रिलेशन बना के रखता है तो भारत के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव रहता है। वैसे ही जब भारत ताइवान के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखता है तो उससे चाइना को दिक्कत होती है, चाइना के ऊपर भी दबाव बन के रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है भारत के लिए कि किसी तरह हम ये वन चाइना पॉलिसी जो एक्सेप्ट कर रखी है, इससे हम बाहर निकल जाएं। और हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेशन ताइवान के साथ और अच्छे करें, जिससे कि हम अपनी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इसको भी बढ़ा सकें, और जियोपॉलिटिकली चाइना के ऊपर दबाव भी बना सकें।
ये बहुत ज़रूरी है भारत के लिए, क्योंकि चाइना जितना परेशान रहेगा उतना ही भारत के लिए अच्छा। दोस्तों, तो ये खबर थी, इसके दूरगामी परिणाम ये होंगे कि चाइना हो सकता है और ज़्यादा हमें प्रोटेस्ट करे। वो अब ये देखना चाहता है कि भारत हमारे प्रोटेस्ट का जवाब कैसे देता है, क्योंकि भारत के पास अभी मेजोरिटी कम है। अभी क्या है, भारत बहुत मजबूत जवाब देता है चाइना को, लेकिन अब क्या कोएलिशन गवर्नमेंट के साथ उतनी मजबूती के साथ चाइना का जवाब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। चाइना ये भारत को टेस्ट कर रहा है और आगे करेगा भी। इसी के बाद जब वो अच्छे से टेस्ट कर लेगा तभी वो कोई बड़ा कदम उठाएगा, उससे पहले नहीं उठाएगा। तो दोस्तों, अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे भारत किस हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी को चलाता है। तो दोस्तों, अब इस पे कुछ और अपडेटेड न्यूज आएगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।